एवरीवन, दिस इज़ सोमा अय्यर एंड वेलकम टू बिल्डकरियर चैनल। तो आज हम देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी कि ADB को। चलिए इसकी कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? ये बेसिकली ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। क्या है? रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। ओके, तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक मतलब, रीजनल डेवलपमेंट बैंक का क्या मतलब है? रीजनल डेवलपमेंट बैंक का मतलब है कि ये स्पेसिफिक रीजन को डेवलप करने का काम करती है। तो स्पेसिफिक रीजन एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो मतलब एशिया इसके पैसिफिक जो रीजन है उसको डेवलप करने का काम ये करती है। तो ये कब स्टैब्लिश की गई थी? ये स्टैब्लिश की गई थी 19 दिसंबर 1966 को, तो लगभग 53 ईयर्स पहले की गई थी। ओके, 53 ईयर्स पहले इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस। ओके, और जब ADB को इस्टेब्लिश किया गया था तब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ताकेशी वातानाबे। नाम याद रखिएगा, क्या है? ताकेशी वातानाबे। और उस टाइम पे 31 मेंबर्स थे। ओके, इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे 31 मेंबर्स थे और प्रेजेंट पे कितने मेंबर्स हैं? 68 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 49 जो मेंबर हैं वो एशिया की कंट्रीज़ हैं और 19 मेंबर्स दूसरे कॉन्टिनेंट की जो कंट्री हैं उनसे बिलोंग करती है। ओके, तो हमें क्या पता चलता है इससे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर सिर्फ एशियन कंट्रीज़ नहीं हैं बल्कि दूसरे रीजन की कंट्रीज़ भी एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर्स हैं। ओके, अभी प्रेजेंट में कौन प्रेसिडेंट है? मासातात्सु असकावा। ओके, चलिए, कितनी फील्ड ऑफिसर्स हैं? 31 प्रेजेंट में फील्ड ऑफिसर्स हैं। इनसे पहले कौन थे? ताकेहिको नाकाओ थे ADB के प्रेसिडेंट। कौन थे? ताकेहिको नाकाओ। ओके, ओके, तो कौन थे? ताकेहिको नाकाओ। उन्होंने कब ज्वाइन किया था? 28 अप्रैल 2013 को उन्होंने ज्वाइन किया था और वो 7 साल तक, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक वो प्रेसिडेंट थे ADB के, यानी 2020 तक, मतलब 16 जनवरी 2020 तक वो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 2020 से किन्होंने प्रेसिडेंट का पद संभाला? मातातात्सु असकावा जी ने। ओके, तो ADB का जो मॉडल है वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर बेस्ड है और ADB की जो वोटिंग सिस्टम है वो भी वर्ल्ड बैंक की तरह ही है। मतलब ADB क्या करती है, वर्ल्ड बैंक क्या करती है? वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट का जो जिम्मेदारी है वो उसके ऊपर है। ओके, सारे को ध्यान वो देती है, सारे कंट्रीज़ को। ओके, ADB का काम है सिर्फ एशिया और पैसिफिक रीजन के एरिया की डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ये क्या क्या वर्क करती है? तो ये बेसिकली इसका विज़न क्या है? एशिया और पैसिफिक जो रीजन है उसको फ्री ऑफ पॉवर्टी बनाना। पर्पस क्या है? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साथ ही ये और क्या क्या वर्क करती है? एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है और को फाइनेंसिंग करती है। ये पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि PPP, ओके, सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती हैं। चलिए वन बाई वन देखते हैं दूसरे डिटेल्स को। मेंबर्स कौन कौन हैं? चलिए, मैंने सारे रीजनल मेंबर्स के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं और जो इंडिया है वो फाउंडिंग मेंबर है। देखिए, 1966 को इन्होंने ज्वाइन किया था इंडिया ने। और जो रीजनल मेंबर्स में न्यू जो मेंबर है 2019 में न्यू ने ज्वाइन किया, तो न्यू मेंबर है। ओके, ध्यान रखिएगा, तो स्पेलिंग देख लीजिए, NEUE। ओके, न्यू ये है स्पेलिंग, तो न्यू सबसे नया मेंबर है, लेटेस्ट मेंबर है। ओके, चलिए, और दूसरे जो मेंबर्स हैं वो ध्यान में दीजिए कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कैनेडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, UK एंड US। ओके,
तो ये सारे मेंबर्स हैं। और किसने कब ज्वाइन किया, मैंने सारे की डेट को भी मेंशन किया है। तो शेयर को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर से ही जो कंट्रीज़ की जितनी शेयर होगी, जितने शेयर मतलब होंगे, वो ही उसके पास उतनी ही वोटिंग राइट होगी। ओके, तो जापान सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, कितनी परसेंट है उसके पास शेयर, 15.6। ओके, लेटेस्ट चाहिए। US 15.6 इसके पास भी है, चाइना के पास 6.4, इंडिया 6.3 एंड ऑस्ट्रेलिया 5.8। तो ये सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं ADB के। ओके, चलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल हाइलाइट्स को अब देखते हैं। तो ADB ने फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने प्रोवाइड किए हैं 2019 में, चलिए देखते हैं। 21.64 बिलियन डॉलर के लोन्स, ग्रांट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और गारंटीज में किए हैं, और 237 मिलियन डॉलर टेक्निकल असिस्टेंस में दिए हैं। और इसमें को फाइनेंसिंग ऐड नहीं है, को फाइनेंसिंग में देखिए अलग से नीचे दिया हुआ है, 11.86 बिलियन डॉलर को फाइनेंसिंग में इन्होंने खर्च किए हैं, और इसके साथ साथ ट्रस्ट फंड भी इसमें इंक्लूड है। और डिसबर्समेंट में 16.5 बिलियन डॉलर इन्होंने स्पेंड किए हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है 2013 की, स्ट्रेटेजी 30। ओके, ध्यान रखिएगा, मोटो स्ट्रेटेजी जो भी कहिए, क्या करना, प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल एशिया एंड द पैसिफिक, मतलब एशिया और पैसिफिक रीजन की जो चेंजिंग नीड को देखते हुए ADB ने अपने विजन को इंक्रीज किया है, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि आए एशिया और पैसिफिक रीजन में। और सारे विजन इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल है इनके, जिन्हें कि टाइम और नीड के अनुसार चेंज किया जा सके, और सभी को इंक्लूड भी करना है, जो अपनी प्रॉस्पेरिटी और जो भी डेवलपमेंट फंक्शन है इसमें इंक्लूड करना है। साथ ही ADB को एक्सट्रीम पॉवर्टी को भी एशिया और पैसिफिक रीजन से हटाना है। तो ये सारी वर्किंग के लिए ADB को ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप भी उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है, जैसे कि हो गए, किसके साथ किया है, वर्ल्ड बैंक हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और कौन कौन सा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, अधिकतर सभी के साथ किया है, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म है। और किनके किनके साथ किया है, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हो गए आशियान, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, सार्क, ओके, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ इन्होंने ADB ने टाई अप किया है फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जिनको सबसे ज़्यादा 2019 तक डेटा के हिसाब से हम देखेंगे तो लोन्स दिए हैं, किनको लोन दिए हैं, इंडिया को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया है 47.96 बिलियन डॉलर में। ओके, उसके बाद चाइना और थर्ड पोजीशन में इंडोनेशिया को दिया है, तो कितना दिया है, चाइना को 41.49 बिलियन डॉलर और इंडोनेशिया को 39.18 बिलियन डॉलर। तो ये है जो कि सबसे ज़्यादा लोन इन्हीं तीनों कंट्री को दिए गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। ओके, तो ये सारी डाटा मैंने ADB की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ADB। तो ADB जो है वो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, मतलब सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही लेते हैं। और इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक रिप्रेजेंटेटिव हर मेंबर कंट्रीज से होते हैं, और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही इलेक्ट करते हैं 12 लोगों की बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की टीम। ओके, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं। ओके, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं, और प्रेसिडेंट चेयरपर्सन भी होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और प्रेसिडेंट ही ADB को मैनेज करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए चुना जाता है, क्योंकि जापान सबसे लार्ज शेयर होल्डर है, इसीलिए ADB का जो प्रेसिडेंट होता है जापनीज ही होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए
एरिया वर्क देखते हैं। तो एरिया वर्क क्या है, कहाँ कहाँ एडीबी वर्क करती है, क्या क्या काम है एडीबी के। तो एडीबी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन, एनर्जी, फाइनेंस, हेल्थ, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब ICT, ओके, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट और वाटर, मतलब जितनी भी डेवलपमेंट फंक्शन है एशिया और पैसिफिक रीजन से सारे काम करती है, ओके। एडीबी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरह की फाइनेंसिंग यानी कि किस तरह की लोन एडीबी देती है। तो एडीबी दो तरह के लोन प्रोवाइड करती है, एक है हार्ड लोन और सेकेंड है सॉफ्ट लोन, ओके। तो हार्ड लोन मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए ये लोन देती है, यानी इंटरेस्ट अर्न करने के लिए एडीबी लोन देती है ताकि वो अपनी जो डेवलपमेंट फंक्शन है उसे अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। तो ये मिडिल इनकम वाली एशियन कंट्रीज़ को दी जाती है, ओके। सॉफ्ट लोन क्या है, सॉफ्ट लोन है जो इसमें क्या होता है, इसमें उनकी जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट फंक्शन के लिए दी जाती है और इस लोन के लिए इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम होती है, ओके। चलिए अब देखते हैं गोल्स या फिर आप कह लो ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो क्या क्या है, तो पहला है पॉवर्टी रिडक्शन करना, साथ में इनइक्वालिटीज़ को भी रिड्यूस करना है। इसमें भी सभी को क्या करना है, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्वालिटी जॉब जनरेट करना, ये भी वर्क्स आ जाते हैं। सेकेंड है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, ओके। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है, जेंडर इक्विटी इन डिसीजन मेकिंग की बात कही गई है। थर्ड है क्लाइमेट चेंज को टैकल करना और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की ओर ध्यान देना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिटीज़ को मोर लिवेबल बनाना, मतलब शहरों को और भी ज़्यादा रहने के लायक बनाना, मतलब अर्बन एरियाज़ की जो एनवायरमेंट है वहाँ की जो सर्विसेज, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उनकी ओर ध्यान देना, और सिर्फ शहरों की नहीं रूरल डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान देना एडीबी का गोल है, ओके। रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, मैलन्यूट्रिशन, हंगर, ये सबको भी एडीबी ही देखती है। साथ ही पब्लिक मैनेजमेंट को स्टेबल करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंट्री के सिस्टम को स्ट्रेंथ बनाना और उनकी स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, रीजनल कोऑपरेशन को बनाए रखना और जिससे कि ग्लोबल और रीजनल ट्रेड को बढ़ावा मिले, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंड किया जा सके, ये सारे क्या हैं एडीबी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को परफॉर्म करने के लिए ये भी हेल्पफुल है, ओके। एशियन डेवलपमेंट बैंक उसके लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए भी वर्क करती है। फंक्शन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो क्या क्या फंक्शन है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, ये लोन प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए अपने मेंबर कंट्रीज़ को, ये कोऑर्डिनेट भी करती है डेवलपमेंट पॉलिसीज और प्लान्स को, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करती है डेवलपमेंट फंक्शन के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और किसके लिए करती है ये, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए करती है, ओके। साथ ही साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है, कहाँ करती है, अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए, ओके। तो इतने सारे फंक्शन, इतने सारे वर्क्स कैसे करेगी एडीबी, अगर एडीबी के पास पैसा नहीं होगा, फ़ंड नहीं होगा, तो वो नहीं कर सकती। तो चलिए अब जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को फ़ंड कहाँ से मिलता है, पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो सोर्स ऑफ इनकम या फिर सोर्स ऑफ मनी कह लीजिए फ़ंड है, जिससे कि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है, तो वो है एडीबी फंड रेज करती है कैपिटल मार्केट में बॉन्ड इशू करके, ओके। साथ ही अपने मेंबर से वो क्या करती है, एक कंट्रीब्यूशन लेती है शेयर होल्डर्स उसके, तभी मैंने बताया आपको कितने किसके परसेंटेज है, जापान सबसे ज़्यादा उसकी परसेंटेज है और US दोनों की अभी सेम ही हो गई है। तो ये कंट्रीब्यूशन किस चीज़ के लिए है, फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए, तभी एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्क कर पाएगी। साथ ही साथ
इसके मेंबर्स कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन के साथ क्या है, लोन्स भी ये प्रोवाइड करती है, जिससे कि उसकी रिपेमेंट जो होती है उससे भी इसे फंड मिलता है, रिटेन्ड अर्निंग, ये सारी है एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंड। ओके चलिए, हो गई ये क्लास ख़त्म, मैं नेक्स्ट डे कुछ और लेकर आऊँगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।